ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੇਟੈਸਟ ਔਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ALM ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ PSPCL ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਜੋ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆਣਗੇ। तो वीडियो शुरू करने तो पहले अगर तुम इस चैनल के नवे हो, अभी तक चैनल को सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सबसक्राइब करो, तो इस बैल आइकन प्रेस करो ताकि हर इनफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन थोड़े तक सब तो पहले पहुँच सके। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 दे आने जी। सब तो पहला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर वधा ते घटा सकता है। इसके ऑप्शन हैं 2 फेज सप्लाई, 3 फेज सप्लाई, DC सप्लाई ते AC सप्लाई। तो ट्रांसफार्मर की करता है कि AC सप्लाई नू घटा सकता है ते वधा सकता है। ये वोल्टेज का लैवल नू इनक्रीज और डिक्रीज कर सकता है। इसका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन डी है कि जो ट्रांसफार्मर है वो AC वोल्टेज नू वधा सकता है ते घटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग ऑप्शन है जिस दे सप्लाई लोड नू दित्ती जंदी है, जिस दे सप्लाई कैपेसिटर बैंक नू दित्ती जंदी है, जिस दे मेन सप्लाई दित्ती जंदी है, उन्हों से प्राइमरी वाइंडिंग कहने हैं। जिमें साडे कोल ट्रांसफार्मर है और जदों असी जिस वाइंडिंग दे नाल असी सप्लाई कनैक्ट करते हैं उन्हों असी कह देने जी प्राइमरी वाइंडिंग, और जिस वाइंडिंग दे असी लोड कैलकुलेट करने यानी कि लोड कनैक्ट करते हैं उन्हों असी कह देने हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। तो इस कारण जो इसका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन आ जाएगा थोड़े को जी सी इज़ द राइट ऑप्शन है, जिस ते मेन सप्लाई दिती जाती है। उस तो बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर दे विच प्राइमरी वाइंडिंग दियाँ जो टर्न है सेकेंडरी वाइंडिंग नालों घट होणगियां जां वध होणगियां जां बराबर होणगियां। देखो जो ट्रांसफार्मर असी कॉइल्स बनाने, ये साडे को आ गई जी प्राइमरी और ये आ गई साडे को जी सेकेंडरी टर्न। जदों अगर असी स्टैप अप की गल करते हैं, स्टैप अप ट्रांसफार्मर दोनों साइड वोल्टेज होंगी, जो प्राइमरी साइड वोल्टेज होंगी वो V1 नू कहने असी, जो सेकेंडरी साइड वोल्टेज होंगी है उन्हों असी V2 कहने हैं। जो असी स्टेप अप दी करते हैं तो स्टेप अप दे विच की होंगे सेकेंडरी वोल्टेज ज़्यादा होंगी, सेकेंडरी वोल्टेज ज़्यादा होंगी है। और जो असी स्टेप डाउन की गल करते हैं तो उस दे विच की होंगे जो नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी दे विच ज़्यादा होंगी है, सेकेंडरी दे विच नंबर ऑफ टर्न घट होंदी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर प्राइमरी वाइंडिंग दी टर्न आ, तो इसका जो राइट आंसर की आ जाएगा जी, टर्न आ प्राइमरी दी जो टर्न आ वो कितनी होनगियां जी, वध, सेकेंडरी नालों वध होनगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 है, जिस दे विच है कि ट्रांसफार्मर दे विच ब्रीदर का काम की है, ये तेल नूं ठंडा करता है, जां ट्रांसफार्मर अंदर प्रवेश हुंदी हवा विच्चों नमी सोखदा है, जां ट्रांसफार्मर तेल नूं साफ करता है, जां दोवें ही। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, जो ब्रीदर है वह ट्रांसफार्मर के अंदर जिहड़ी हवा जांदी है उस दे विच्चों नमी नूं सोखण दा काम करता है जी ब्रीदर। उस तो बाद है जी नैक्सट क्वेश्चन है 5वां, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी, ट्रांसफार्मर विच वध तो वध एफिशिएंसी प्राप्त करन दी जिहड़ी दशा आ वह किहड़ी कंडीशन है, किस विच हिस्टीरियस जिहड़ियां हानियां ते एडी करंट हानियां बराबर होनी चाहीदियां, जां कुल हानियां दा 2/3 कापर हानि होनी चाहीदी है। इसका जो राइट आंसर है, ट्रांसफार्मर की अगर मैक्सीमम एफिशिएंसी लैनी है तो इस विच कॉपर लॉस और आयरन लॉस इक्वल होंगे। जदों ट्रांसफार्मर दे विच कॉपर लॉस ते आयरन लॉस इक्वल होणगे उदों ट्रांसफार्मर दी जिहड़ी एफिशिएंसी है वह वध होएगी। नैक्सट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, जिस दे विच है कि ट्रांसफार्मर विच किहड़ियां हानियां लोड अनुसार परिवर्तित हुंदियां हन।
लोड के कारण जिहड़ियां हानियां चेंज होंदियां हन वह है जी कॉपर लॉसिस, उन्हों असी कहने जी कॉपर लॉसिस। जो असी लोड कनैक्ट करते हैं तो कॉपर लॉसिस होंगे है, जो ट्रांसफार्मर नॉन लोड दे होंदा है उदो होंदा जी आयरन लॉस। इस कारण इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर आएगा। नैक्सट क्वेश्चन जिस दे विच आ गया ट्रांसफार्मर दी ब्रीदर विच केड़ा पदार्थ नमी सोखदा है, ब्रीथर है जिहड़ा कि नमी सोखण दा काम करदा है, इस दे विच केड़ा पदार्थ हुंदा है, सोडियम क्लोराइड हुंदा है, अमोनिया क्लोराइड हुंदा है, जां कैल्शियम क्लोराइड हुंदा है, उपरोक्त सारे। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है जी कैल्शियम क्लोराइड इज़ द राइट आंसर है। ऑप्शन सी कैल्शियम क्लोराइड हुंदा है, जिन्हों असी सिलका जैल भी कहते हैं, सिलका जैल कहते हैं। नैक्सट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कहते हैं कि एक ट्रांसफार्मर दे फुल लोड दे विच जो आयरन लॉस है वह 900 वाट है, तो कॉपर लॉस है जिहड़ा वह 1600 वाट है, तो तुसी दसना है किन्ने प्रतिशत लोड ते ट्रांसफार्मर वध तो वध एफिशिएंसी देवेगा, किन्ने परसेंट लोड दे। तो हुणे असी पिछे क्वेश्चन डिस्कस करता था कि अगर ट्रांसफार्मर दी असी एफिशिएंसी लेनी है उस दे विच आयरन लॉस और कॉपर लॉस जिहड़े है इक्वल होने चाहिए। आयरन लॉस नूं असी पी आई नाल डिनोट करते हैं तो कॉपर लॉस नूं असी पी सी नाल। जो आयरन लॉस ते कॉपर लॉस इक्वल होंदे है उदों ट्रांसफार्मर दी मैक्सिमम एफिशिएंसी होंदी है। हुण इस दे विच जो आयरन लॉस है वह दित्ते है जी 900 वाट और कॉपर लॉस दित्ते है जी 1600 वाट। तो अगर इनू असी चेंज करिए तो आयरन लॉस कॉपर लॉस में ही चेंज करांगे जी आई स्केयर इनटू जो कॉपर लॉस होंदे है वह आई स्केयर आर दे इक्वल होंदे है। तो जो आयरन लॉस किन्ना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 900 वाट है, तो इस दे विच आ जाएगा जो दो आई स्केयर, तो दूसरा कॉपर लॉसिस किन्ने आ गए जी 1600 वाट। और जो असी इस दे विच आई स्केयर की वैल्यू निकालेंगे तो यह आ जाएगा साढ़े को 900 बटा आ जाएगा थोड़े को जी 1600, 20 ना 20 कैंसल हो जानी है, और जो असी आई की वैल्यू क्ढा तो इधर साढ़े को स्केयर रूट आ जाना 9 का 16 का, ये बराबर आए ना साढ़े को जी 3/4। तो जो लोड है साढ़े को लोड किन्ना आ जाना जी 3/4 लोड आ जाता है। अगर इनू असी परसेंटेज निकालना है तो 100 के नाल मल्टीप्लाई करेंगे तो यह कैंसल हो जाएगा 25 चौका 100 तो 25 75 तो लोड आ जाएगा जी 75%। अगर किसी ट्रांसफार्मर के आयरन लॉस 900 वाट है तो उसके जो कॉपर लॉस है वो 1600 वाट है, तो ट्रांसफार्मर वध तो वध जिहड़ी एफिशिएंसी है वह 75% एफिशिएंसी देगा। नैक्सट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है, एक ट्रांसफार्मर की प्रायमरी अते सेकेंडरी वोल्टेज विच फेज अंतर किन्ना होंदा है, फेज अंतर हो जाएगा जी 180 डिग्री। नैक्सट क्वेश्चन है एनालॉग टाइप क्लिप ऑन मीटर या डिजिटल क्लिप ऑन मीटर असी प्रयोग करते हाँ, इसका प्रयोग होंदा है, और इसका राइट ऑप्शन है जी असी करंट ट्रांसफार्मर दे विच यूज़ करते हैं, एनालॉग भी और डिजिटल मल्टीमीटर कोई भी तुसी यूज़ कर सकते हो। करंट ट्रांसफार्मर दे विच असी क्लैंप ऑन मीटर यूज़ करते हैं। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 11 है जिस दे विच है कि ट्रांसफार्मर दा कार्ज, ट्रांसफार्मर दा काम की है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है कि बिजली ऊर्जा दा समान वध जां घट वोल्टेज दे रूपांतरण नूं करना है। ये की करता है बिजली ऊर्जा दी जिहड़ी जो सप्लाई है उसकी वोल्टेज नूं वध जां घटांदा है, वोल्टेज ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का काम है वोल्टेज लैवल नूं इनक्रीज और डिक्रीज करना, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर है। नैक्सट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर डीसी वोल्टेज नूं की करता है, वध करता है जां समान वोल्टेज के रूप में रूपांतरित करता है जां घट करता है जां इन्हां विच्चों कोई भी नहीं, इन्हां विच्चों कोई भी नहीं आंसर आएगा, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर है वो डीसी ते काम नहीं करता, ट्रांसफार्मर जिहड़ा वो डीसी
सप्लाई दे काम नहीं करता। ट्रांसफार्मर डीसी वोल्टेज, ट्रांसफार्मर इतने क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर डीसी वोल्टेज नूं वध करता है जां समान वोल्टेज नूं रूपांतरित करता जां घट करता जां उपरोक्त विचों कोई नहीं। सर राइट आंसर आ जाएगा जो ट्रांसफार्मर है वो डीसी सप्लाई दे काम नहीं करता, क्योंकि जो डीसी सप्लाई है उसकी जो फ्रीकुएंसी जीरो होंगी है। इस कारण अगर असी ट्रांसफार्मर नूं असी प्राइमरी वाइंडिंग नूं, अगर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग जदों असी डीसी सप्लाई देवांगे तां उस दे विच जो उसकी फ्रीकुएंसी है वो जीरो होएगी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होएगा, जिसके कारण जो उसकी जो वाइंडिंग है वो सड़ सकती है। इस कारण असी ट्रांसफार्मर नूं डीसी सप्लाई दे नाल कदी भी कनैक्ट नहीं करते। इस कारण जो इसका आंसर है वो आंसर आ जानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस दे विच कि ट्रांसफार्मर कोर दा पदार्थ, जो ट्रांसफार्मर दी जिहड़ी कोर है वो किस मटीरियल दी बनी हुंदी है। ऑप्शन है सिलिकॉन, सिलिकॉन स्टील, एल्यूमीनियम ते कोबाल्ट। इसका जो राइट आंसर है, जो ट्रांसफार्मर दी जो कोर है वो बनी हुंदी है सिलिकॉन स्टील मटीरियल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ट्रांसफार्मर दी समर्था किन्नी होंदी है। 10% होंदी है, 90 to 98% है, 10% है जां 50% है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ई है, ट्रांसफार्मर एक ऐसी मशीन है जिसकी जो एफिशिएंसी 90 to 90% इसकी एफिशिएंसी है, क्योंकि ट्रांसफार्मर दे विच कोई भी रोटेटिंग पार्ट ना होने कारण ट्रांसफार्मर की सब तो ज़्यादा एफिशिएंसी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है, जिस दे विच है कि ट्रांसफार्मर दे विच प्राथमिक अते सेकेंडरी वोल्टेज परस्पर की होंदा है, समान फेज विच होंदी है, विपरीत फेज दे विच होंदी है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा जी, ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी अते जो सेकेंडरी वोल्टेज है वो परस्पर आपस विच की होंदी है, विपरीत फेज दे विच होंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है जी 16, जिस दे विच है कि 100 kVA ते 50 Hz जिसकी प्राइमरी 10 kV ते सेकेंडरी 200 V सिंगल फेज ट्रांसफार्मर दी पूर्ण भार ते प्राथमिक धारा, ठीक है जी, प्राइमरी करंट तुसीं कैलकुलेट करना है। तो प्राइमरी करंट असीं कैलकुलेट कर सकते हैं, साडे को पता है कि जो आई है, जो पावर है, ठीक है जी, वो होंदी है वी और आई दे इक्वल। तो जो असी आई दी वैल्यू कढ़ांगे तो आई किस दे इक्वल आ जाएगी, पावर बाय वोल्टेज, जो सेकेंडरी वोल्टेज है। तो इस दे विच जो पावर है वो किन्नी है, पावर इस दे विच आ गई साडे कोल जी है 100 kVA, 100 ते केवीए दे नाल तुहाडे कोल आ गया जी 1000 आ जाएगा, केवीए नूं चेंज करांगे। और इस दे विच जो सेकेंड प्राइमरी वोल्टेज है वो है 10 kV, ते जदों असीं 10 kV इत्थे लगावांगे तो 1000 ना 1000 कैंसल हो गया, 0 ना 0 कैंसल होगी। इस दा आंसर आ जाएगा जी 10 ampere इस दा आंसर आ जाएगा। अगर असीं सेम ही क्वेश्चन दे विच अगर असीं सेकेंडरी करंट कढ़ना तो असीं सेकेंडरी करंट भी कढ़ सकते हैं। सेकेंडरी करंट आ जाएगा साडे कोल जी I2, फार्मूला सेम आ जाएगा, पावर वाई ए इससे आ जाएगा साडे कोल सेकेंडरी विच आ जाएगा V2 वोल्टेज। तो सेकेंडरी दे विच जो साडे कोल पावर है, पावर तो साडे कोल सेम रहेगी, पावर साडे कोल रहेगी जी 100 kVA, 100 × 1000, और सेकेंडरी दी वोल्टेज किन्नी है जी 200। तो 2 0 ना 2 0 कैंसल हो जाएगी, 5 2 9 10, और 5 असी 100 गुना करांगे तो किन्ना आ जाएगा जी 500 ampere आ जाएगा, अगर असी सेकेंडरी करंट कैलकुलेट करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 to 19 तक जेडे प्रश्न है वो इस क्वेश्चन दे नाल रिलेटेड है, जिस दे विच दस्या गया है कि 500 kVA ते 4400 प्राइमरी ते 500 V सेकेंडरी ट्रांसफार्मर दी सेकेंडरी कोइल है,
जिस दे विच नंबर ऑफ टर्न दिती दी है कि दी सेकेंडरी सेकेंडरी दी टर्न दिती दी है जी 100 टर्न्स दिती दी है। तो इसका जो फार्मूला है, इसका जो फार्मूला साढ़े को जो ट्रांसफार्मर की रेशो होंगी है, इसका इक्वल करने वी वन बाय वी टू और ई वन बाय ई टू। ठीक है जी। तो वी वन वोल्टेज तुसी देख सकते हो कितनी है 4400 है और वी टू वोल्टेज कितनी है जी 500। उस तो बाद आ गया जी ई वन, सानू दिते ट्रांसफार्मर दी सेकेंडरी कोयल तो ई वन असी कैलकुलेट करना तो ई टू कितना दिते था जी 100। जो असी इनू क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे तो जो असी इसकी ई वन की वैल्यू कैलकुलेट करांगे तो ई वन कितना आ जाएगा जी, इनू असी इस तरह कर लेने थोड़ा साफ करके, ई वन थोड़े को आ जाएगा 4400 गुना 100 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा थोड़े को जी 500, जीरो ना जीरो आ जाना है। और जो तुसी 4400 नू 5 दे नाल तकसीम करोगे थोड़ा आंसर आ जाएगा जी 880 इज़ द राइट आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साढ़े को कि बिजली वाहक बल प्रतिवर्तन EMF पर टर्न की रेशो असी कैलकुलेट करनी है। तो ये आ गया साढ़े को जी ई वन ते ई टू, इसकी जो टर्न रेशो आ जाएगी एन वन ते एन टू। तो ई वन साढ़े को कितना आ गया, असी पिछे नोट किया कितना आ गया साढ़े को ई वन कितना सी इस क्वेश्चन से, जो प्राइमरी वोल्टेज सी 4400 और ई टू कितना आ गया जी 500 ही, तो एन वन असी कैलकुलेट किया हुणे आ गया 880 ते एन टू कितना आ गया जी 500। अगर असी इसकी रेशो कढ़दे हां तो यानी कि इसकी रेशो कढ़ांगे अगर 4400 नूं असी 880 नाल डिवाइड करांगे तो इसकी रेशो कितनी आ जानी है 5। और चाहे तुसीं 500 नूं 100 दे नाल डिवाइड कर दो, अकॉर्डिंग जो रेशो कढ़ोगे EMF पर टर्न रेशो ते कितना आ जाएगा जी 5। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर आ गया। तो अज की वीडियो विच इन्ना ही क्वेश्चन, नैक्सट वीडियो विच असी इस दे नैक्सट जो क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर दे डिस्कस करांगे। अगर तुहानू वीडियो अच्छी लगी है वीडियो नू लाइक और शेयर जरूर करना ताकि जो स्टूडेंट्स ALM एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका फायदा ले सकन। अगर तुहानू वीडियो अच्छी लगी वीडियो नू लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद।